जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं सुधार मेजर ओम प्रकाश जी, भारतीय सेना। दोस्तों, आप सभी लोगों को जो नया साल आ चुका है उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में इस साल हमेशा लगातार खुशहाली रहे, कोई भी दुख का साया आपके परिवार के आसपास ना फटके। इष्ट देवता से भगवान से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका परिवार सदा सुख रहे, आपके बच्चे तरक्की करें, आप खुद तरक्की करें और आपके परिवार में आपके माता पिता खुद सब खुशहाल रहे और प्रसन्न रहे। दोस्तों, आपका जो मैसेज देने का मेरा मकसद है वो ये था कि 30 तारीख को जो 5:30 बजे ऋषभ पंत, जो भारतीय क्रिकेटर था, उसका जो है एक्सीडेंट हुआ था, उत्तराखंड का ऋषभ पंत, और 30 तारीख को 5:30 बजे सुबह के टाइम पर उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट होने की वजह से, चाहे वो झपके आने से हुआ, वो तो बात की बात है कि झपके आने से हुआ या गड्ढा आ गया सामने उसकी वजह से हुआ, सवाल इसका नहीं है दोस्तों, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि बंदे की जान बच गई, ठीक है। परिवार के अंदर नए साल से पहले एक बहुत बुरा एक मैसेज आने वाला था, जो बहुत ही अच्छा, ऊपर वाले की दुआ से बहुत ही अच्छा है। एक दोस्तों, कुदरत में बहुत बड़ी ताकत है, ठीक है। कहीं ना कहीं से ऐसा माध्यम आपको, अगर आपकी किस्मत अच्छी है ना, तो कोई ना कोई माध्यम ऐसा सामने आ जाता है जिसकी वजह से आप लोग, आपकी खुद की जान बच जाती है। और यही जीता जागता उदाहरण है कि हरियाणा रोडवेज का जो बस पीछे से आ रही थी, जिसमें ड्राइवर सुशील कुमार और कंडक्टर परमजीत सिंह दोनों रोडवेज बस से, हरियाणा रोडवेज की बस से पीछे आ रहे थे, और उन्होंने इस घटना को जो है अपने सामने होते हुए देखा, ठीक है। ये जो तालमेल बैठा ना, उसकी गाड़ी का, ऋषभ पंत की गाड़ी का, प्लस हरियाणा रोडवेज की एक ड्राइवर, सवाल इसका भी नहीं है कि दोस्तों की वो हरियाणा रोडवेज की गाड़ी थी और सही टाइम पे सही जगह पे वो नहीं थी, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अंदर इंसान बैठे, मानवता के पुजारी बैठे थे दो, ठीक है, जिसमें बस कंडक्टर, ठीक है, परमजीत सिंह और ड्राइवर सुशील कुमार, जिन्होंने ऐन वक्त पर जब उनकी गाड़ी पलट के दीवार से टकरा के चूर चूर हो गई, और उसके बाद जाके उन्हें किस तरीके से उसको विंडशील्ड को तोड़ के आधा वो बाहर आ गया था, कोशिश करी थी कि आज पूरा निकाल के जो है उसकी जान को बचाया, और तत्काल फोन करके, ये उत्तराखंड के पुलिस अधीक्षक महोदय ने भी माना है और क्या कि इन दोनों ड्राइवर और कंडक्टर की सूझबूझ की वजह से, उनके लेख कार्य की वजह से ही आज का एक उभरता हुआ क्रिकेटर ऋषभ पंत की जान बच पाई दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन दोनों ने सही टाइम पे सही समय पर एक्शन लिया और बच्चे को बाहर, बंदे को बाहर निकाला, और गाड़ी जिस तरह के धूप करके जल गई, तो मुझे लगता था कि वो क्योंकि वो बेहोशी की हालत में बेहोशी था, वो बंदा आधा खिड़की से बाहर आ चुका था। अगर वो दोनों नहीं आते का मतलब है कि हरियाणा रोडवेज की ये बस अगर नहीं आई होती, ये दोनों बंदे, ठीक है, ये मानवता के पुजारी, ठीक है, इन लोगों की वजह से इनके आना ही जो है उनके लिए पॉजिटिव रहा ऋषभ पंत के लिए, और इन्होंने तत्काल एक्शन लिया। उसमें से आते तो गुम हो गए दोस्तों, ठीक है। जब खुद पे बीतती है ना, तो लोग कहते हैं कि यार हमारे लिए लोगों ने ऐसा नहीं किया, एक्सीडेंट हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ, लेकिन जब हमारे पे खुद पे बात आती है, हम किसी को बचाने की नौबत आती है ना, हम कैसे भागते हैं, कैसे छुपते हैं और कैसे घबराते हैं। हम ये भी नहीं समझते कि यार किसी की परिवार की ज़िंदगी बचानी है, हम देखकर वीडियो बनाना शुरू करते हैं। ऋषभ पंत के कुछ पैसे उसके अंदर भी थे, जिसमें से लोगों ने चोर लिया और वीडियो बना के अपना खिसक गए। लेकिन ये जो दोनों थे ना दोस्तों, ये जो मैसेज है ना ऋषभ पंत की वजह से मैं ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ये मैं उन जांबाज दो फाइटरों की ऐसे वीडियो बना रहा हूँ जिनकी वजह से यह इन दो इस ऋषभ पंत की जान बच सकी। हरियाणा रोडवेज ने उनको सम्मानित किया हुआ है, परमजीत को और सुशील कुमार को, और उत्तराखंड गवर्नमेंट भी उनको सम्मानित करने वाली है, हो सकता है उत्तराखंड पुलिस प्रशासन भी उनको सम्मानित करेगा। तो ये मैसेज मेरा इन दोनों के लिए, प्रधानमंत्री महोदय के लिए से है कि मेहरबानी करके आप, क्योंकि ऋषभ पंत उत्तराखंड का ही बच्चा नहीं था कि उत्तराखंड सरकारी पुरस्कार दे, वो देश का बच्चा था, ठीक है, देश का नाम रोशन कर रहा है। तो मेहरबानी करके इन दोनों को ना सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाए और इनको जो है प्रमोट किया जाए, अपनी जो भी ये अभी जैसे मान लीजिए जिस भी लेवलों से उनको जो है चाहे किसी भी तरीके से उनको प्रमोट किया जाए, और उनको बहुत इनको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाए, ठीक है। इनको राष्ट्रपति द्वारा सम्मान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मैसेज आगे के लिए लोगों के लिए जाएगा कि अगर आप अच्छे काम करते हो ना, तो भगवान भी आपका पूरा सपोर्ट करता है। जैसे इन दोनों को कोई नहीं जानता था, मुझे लगता है कि ऋषभ पंत से भी ज़्यादा पूरी दुनिया में ऋषभ पंत को भी इतने लोग नहीं जानते होगा जितना
सोशल मीडिया के माध्यम से क्या पूरे दुनिया के अंदर परमजीत और सुशील कुमार छा गए दोस्तों, ठीक है। क्यों नहीं उनके अंदर की किसी और की बात आई, आधे लोग तो छुप के मारे बस छोड़ के ही भाग गए। कितनी सर्वसाधारण घटना दोस्तों, कभी भी ऐसी घटना होती ना, मेहरबानी करके वीडियो बनाने वाले बहुत हो जाते हैं, आप वीडियो मत बनाइए, उसमें तत्काल एक्शन कीजिए। इन्होंने फर्स्ट पुलिस में ही फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस विदिन 5 मिनट के अंदर उनको लेके चले गई, और रिसर्च जब भगवान करे वो जल्दी ठीक हुए, स्वस्थ हो जाएंगे। और उनके परिवार से मेरी अपील है कि प्लीज़ मेहरबानी करके ना, ठीक है, ऋषभ पंत की माँ से भी मेरी गुजारिश है कि मेहरबानी करके ये जो संभाष फाइटर को अपने घर बुलाइएगा पक्का, और इनको अपने हाथों से इनको खाना वहाँ खिलाइए करिए, और इनको सम्मानित कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। ये किसी सम्मान के भूखे नहीं है, ये मानवता के भूखे थे, लेकिन दिल से ये आवाज़ निकलती कि ऐसे जांबाज और ऐसे मतलब सहृदय बंदे जो दिल से जो है कुछ भी करने कुछ निकले तैयार थे, हो सकता था वो अपनी गाड़ी निकाल लेते यार, बस ठंड का मौसम ना निकल जाते हैं भाड़ बजे, हमने क्या करना है, कौन पुलिस केस में पछड़ पड़े। लेकिन ये वो दबंग थे, ये मानवता के पुजारी थे, जिन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा और सही टाइम में सही जगह पे पहुँचे, क्योंकि भगवान ने इनको पहुँचाया और इन्होंने अपना काम सही तरीके से किया, जिसकी वजह से ऋषभ पंत जो है खतरे से बाहर है और आने वाले समय में क्रिकेट खेलता हुआ नजर आएगा और काफ़ी रिकॉर्ड वो आने वाले समय में भी बनाएगा, ठीक है। जब तक ऋषभ पंत का परिवार है, जब तक ऋषभ पंत है, जब तक ये देश है, ठीक है, ऋषभ पंत के साथ साथ इन दोनों का भी जिक्र हमेशा होगा, जहाँ पर ऋषभ पंत का जिक्र होगा वहाँ पर इन दोनों का भी जिक्र होगा, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।